हाय दोस्तों, स्वागत है आज की स्टूडियो पर। दोस्तों आज की स्टूडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि बॉल के लाइन और लेंथ को आप कैसे पहले जज कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखते रहिए, मैं इस बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटियों से बजा लीजिए और मेरे इस वीडियो का मजा लीजिए। तो नॉर्मली गाइस, अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो या फिर एक प्रोफेशनल लेवल पर खेलना चाहते हो और बॉल की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मली जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो तो 120 किलोमीटर पर आर, 130 किलोमीटर पर आर, 140 इतना होता है, ठीक है। तो उसको खेलने के लिए क्या होता है, जब बॉल टप्पा खाती है उसके बाद आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आगे खेलें या पीछे। तो यहाँ पर आपको बॉल को पहले से जज करना पड़ता है कि बॉल आगे आने वाली है या पीछे आने वाली है। तो उसके लिए बहुत कम टाइम होता है, मतलब जब 140 किलोमीटर पर आर की बॉल जो होती है वो हाथ से छूटती है, हाथ से छूटने के बाद बैट्समैन से पहुंचने तक 0.01 सेकंड तक का चांस होता है, मतलब उतना ही टाइम में पहुंच जाता है बॉल। तो अगर आप आंख ऐसे गलत टाइम में ब्लिंक कर दोगे तो समझ लीजिए काम खत्म, बॉल पार हो जाएगी। 140 किलोमीटर पर आर की बात कर रहा हूँ, 120 किलोमीटर पर आर 0.05 सेकेंड्स ये सब लगता है। तो आपको पहले से जज करना पड़ेगा कि बॉल क्या आने वाली है, आगे खेलनी है या पीछे खेलनी है। तो आइए जानते हैं कैसे आप जज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँ बॉल को जज करने के लिए, सबसे जो पहला मैं टिप देना चाहूँगा, टिप नहीं यही है वीडियो का मेन पार्ट, बॉल को जज करने के लिए सबसे पहले तो बॉलर के हाथ को आपको देखना है, ठीक है, बॉलर के रिलीज पॉइंट को देखना है। गाइस, ये गैरी सोबर्स ने भी कहा था कि बॉलर के रिलीज पॉइंट को अगर आप देख लेते हो, अब मैं बताता हूँ कैसे देखना है। मान लीजिए कोई बॉलर बॉल डाल रहा है, ठीक है, अब उसको देखना कि बॉल कहाँ से छूट रहा है, मतलब ये आपको नहीं देखना कि आपको देखना है बॉल कहाँ से छूट रहा है। अगर बॉल बहुत ज्यादा ऊपर से छूट रही है, मतलब यहाँ से, ठीक है, तो ये बॉल आने वाली है फुल टॉस या फिर फुल लेंथ पे। और अगर बॉल थोड़ा लेट छूटता है, मतलब आगे बॉल अगर बहुत ज्यादा ऊपर छूट रही है तो फुल लेंथ या फिर फुल टॉस आने का चांस रहता है, और अगर आगे छूटती है तो समझ लीजिए गुड लेंथ या शॉर्ट पिच। और बहुत आगे छूट रही है, मतलब हाथ यहाँ पर छूट रही है बॉल, तो वो शॉर्ट पिच बॉल आने वाली होती है। गाइस, इस तरीके से आप बॉलर के जो रिलीज पॉइंट है देखना है कि उसका हाइट कितना है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो समझ लीजिए फुल लेंथ या फिर फुल लेंथ पर आएगी या फिर फुल टॉस बॉल आएगी। और बहुत ज़्यादा आगे छूट रही है, बहुत छोटी है उसकी हाइट, तो समझ लीजिए वो शॉर्ट पिच होगी, या और ऊपर थोड़ी सी है तो गुड लेंथ होगी। तो इस तरीके से आप बॉलर के लाइन और लेंथ को जज कर सकते हो, सबसे पहला तरीका है। अब गाइस, जो दूसरा तरीका है वो इस तरीके से है कि आपको बॉलर के आर्म को देखना है। तो आर्म मतलब होता है ये हाथ, ठीक है, आर्म। तो अगर बॉलर के आर्म को देखना, आपको अंदाजा लगाना उसका कान कहाँ पर है। अगर कान से आगे छूट रहा है तो समझ लीजिए गुड लेंथ या शॉर्ट पिच, और अगर कान से पीछे छूट रहा है तो वो बॉल आने वाली होती है फुल लेंथ या फुल टॉस। और अगर एकदम कान के यहाँ पर सेंटर पर छूटती है, कान के एकदम सामने से और कान के एकदम सेंटर पर, तो समझ लीजिए वो यॉर्कर बॉल आने वाली है। तो ये दूसरा तरीका है बॉलर के लाइन और लेंथ को पहले से जज कैसे कर सकते हो। अब गाइस, जो मैं तीसरा तरीका देना चाहूँगा वो ये है कि आप बॉलर का जो फील्डर सेट किया गया है उससे आप पता लगा सकते हो कि क्या बॉल आने वाला है। जैसे कि बहुत लोग यही करते हैं कि मान लीजिए कोई बाउंसर डालना चाहता है तो पॉइंट लेग में फील्डर लगाता है और थर्ड मैन में लगाता है, ताकि अगर एज लगे तो कैच आए वहाँ पर। तो इस तरीके से आप फील्डिंग सेटअप से भी जान सकते हो बॉलर के लाइन और लेंथ को पहले से ही। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, करते रहिए प्रैक्टिस के लाइन लेंथ को कैसे जज करना है। तो हाथ से देखते रहिए बॉल कहाँ से छूट रही है, देखते रहिए, और इस तरीके से आप बॉलर के आसानी से मतलब पहले ही जज कर लोगे, अर्ली जजमेंट आप बहुत बढ़िया स्किल बन जाएगी। तो बस गाइस, यहाँ पर ये इतने टिप्स थे, ये टिप्स अगर फॉलो करते हो तो मैं पक्का बोलूंगा आप वीडियो पहले से ही जज कर पाओगे। तो इतना ही वीडियो था, अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।